हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे आप देखेंगे वैदिक मैथ्स क्लास। सो ऑलरेडी मैंने अबैकस के पूरे वीडियोस मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। पूरा कोर्स मेरे प्लेलिस्ट में है। अगर आप अबैकस सीखना चाहते हो तो उस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। तो इसमें मैं डिफरेंट काइंड भी बनाई थी, जैसा कम टाइम में भी आप कोर्स फिनिश करना चाहते हैं तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अभी मैं यहाँ शुरू कर रही हूँ वैदिक मैथ्स कोर्स। इस कोर्स को भी जैसा मैंने अबैकस को किया था वैसे ही कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो जिन लोग वैदिक मैथ सीखना चाहते हो तो उनको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर वैदिक मैथ्स का हिस्ट्री के बारे में बात करते हो तो ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो मैं ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक में ज़्यादा आना नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं नॉलेज शेयर करने स्टार्ट की थी, तो यहाँ पे नॉलेज की बात करते हैं। तो वैदिक मैथ आपको फ़र्क क्या है अबैकस का और वैदिक मैथ्स का? अबैकस में जो है हम ब्रेन को ट्रेन करते हैं, ठीक है, बट वैदिक मैथ्स जो है स्मार्ट वर्क है। तो इसमें हमें ज़्यादा ब्रेन को ट्रेन करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, हमें स्मार्ट होने थिंक करना होगा, स्मार्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे बहुत आसानी से हमें बड़े बड़े नंबर्स का आंसर्स भी आ जाता है फॉर्मूलास के ज़रिए से। तो वैदिक मैथ्स में पूरे 16 मेन सूत्रास है और 13 सब सूत्रा है, ठीक है, तो वो बाद में बात करते हैं। पहले हमें वैदिक मैथ्स का जो प्री वर्क करना है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो ये है प्री वर्क, हमें पूरा एडिशन टेबल आना चाहिए। एडिशन टेबल मतलब क्या है? एडिशन टेबल मतलब है यहाँ पे हम जो भी नंबर से सिंगल डिजिट, मतलब 0 to 9 से 10 नंबर है, ये 10 नंबर के ऑल पॉसिबिलिटीज उसे दूसरा डिजिट से ऐड करते हो, मतलब 0 to 9 ऐड करते हो तो कितने पॉसिबिलिटीज आएंगे, वो सभी हमारे फिंगर टिप्स पे रहना चाहिए। मतलब उन सब का आंसर आपको चुटकी पे आना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखा गया तो ये है एडिशन टेबल। सो मैंने रो पे और कॉलम्स पे 0 to 9 वैल्यूज लिख दिया था। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखिए, 0 0 ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 0 1। सो ऐसे 0 to 9, फिर से इधर भी 0 to 9, तो ये 100 अगर आप कैलकुलेट करते हैं पूरे कॉम्बिनेशंस 100 कॉम्बिनेशंस हो गए। सो ये टेबल याद करना बहुत मुश्किल है, दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क लग रहा है बट ये बहुत आसान है। सो मैं यहाँ पे सिंपल पे आप एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आप पूरे कॉम्बिनेशन को देखते हो तो पूरे 100 कॉम्बिनेशंस है, ठीक है, 0 0 0 1 0 2 0 3, अगर आप पूरे लिखते हो एक जगह तो ऐसे टेबल में पूरे 100 कॉम्बिनेशन है। सो इसमें 55 कॉम्बिनेशन बहुत आसान है, कोई भी बच्चा भी बोलता है, क्योंकि ये विदाउट कैरी वाले हैं, जैसे कि 2 + 3 5, ठीक है, 0 + 9 9, 6 + 1 7, 6 + 3 9। सो जब आपका आंसर में सिंगल डिजिट आता है ये कॉम्बिनेशंस पूरे बहुत आसान है, मतलब 55 कॉम्बिनेशंस छोटे बच्चों के लिए भी बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट 9 कॉम्बिनेशन ऐसे है कि अगर आप उसको ऐड करते हो तो आपका वैल्यू आएगा 10, जैसे कि 1 + 9 10, 2 + 8 बिग फ्रेंड स्मॉल फ्रेंड्स, तो इसका कॉम्बिनेशन, आई मीन बिग फ्रेंड का कॉम्बिनेशन 1 + 9, 2 + 8, 3 + 7। सो इसका कॉम्बिनेशन में हमें पूरे 9 वैल्यूज है, ठीक है। तो बचे कितने हैं, 36 कॉम्बिनेशन है हमारे पास। तो ये वाले थोड़ा मुश्किल है, ये वाले कैरी कॉम्बिनेशंस, मतलब 2 डिजिट में हमारा आंसर आता है, ठीक है, जैसा कि 9 + 2, ठीक है, 3 + 8। सो ये सारे कॉम्बिनेशन डबल डिजिट के, तो इस पे आप थोड़ा वर्क करना चाहिए। तो इस कॉम्बिनेशंस पे भी आप अपना स्मार्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हो, जैसा कि ये सभी सारे डबल डिजिट है, राइट, तो 4 + 8, 5 + 9, 6 + 6, ये सारे डबल डिजिट है, ठीक है। इस पे भी थोड़े कॉम्बिनेशंस आपको बहुत आसान लगते हैं, जैसे कि 6 + 6, 7 + 7, 8 + 8, 9 + 9, ये सारे कॉम्बिनेशंस आसान लगते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़े वैल्यूज़ फिर से हमें रूल आउट हो गए हैं, ठीक है। अगर आप पूरे कॉम्बिनेशंस को ध्यान से देखा तो पूरा टेंथ प्लेस है 1 ही है, ठीक है, तो 1 प्लेस में कोई चेंज नहीं है, 10 प्लेस का वैल्यू 1 ही है।
तो यहाँ पे वंस प्लस वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है, कैरी वाले में वंस प्लस वैल्यू चेंज हो रहा है। मतलब अगर आप वंस प्लस को अच्छे से याद रखते हो तो आपको ये पूरे कॉम्बिनेशंस वैल्यूज आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रिक है 9 से जो भी कॉम्बिनेशन आता है उसको हम आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे हमें आसानी से याद करेंगे, तो मैं थोड़ा एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। 9 प्लस 8, ठीक। अगर आप जब भी जिस नंबर को 9 से ऐड करते हो, जो छोटा नंबर है उससे एक वैल्यू कम हो जाएगा आंसर में, ठीक है। सो 9 प्लस 8 इज 17, राइट। 17 में टेंस प्लस तो कॉमन है, सभी का 1 ही है, तो बचा हुआ नंबर है 7, ठीक है। अगर आप कौन सा भी वैल्यू चेक कर लीजिए, तो 9 से जो भी नंबर आप ऐड करते हो, जो छोटा नंबर है उससे एक कम आएगा आपका रिजल्ट में, ठीक है। सपोज 9 प्लस 5 लिया था तो वंस प्लस वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। तो ऐसे आपके 9 कॉम्बिनेशंस के जो भी वैल्यूज है वो सभी निकाल दे सकते हो आसानी से, ठीक है, बिना कुछ ज़्यादा मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है, अगर आप दो नेबर नंबर्स को ऐड करते हो, तो यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल लिया 9 के साथ, 9 प्लस 2 11, ओके। सो 9 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 13, ठीक है। वंस प्लस यहाँ पे मैटर करता है, तो हमें ज़्यादा वंस प्लस पे ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे इस सारे वैल्यूज़ हमें रूल आउट हो गए हैं। और देखिए, बहुत सारे हमने रूल आउट कर दिया था, बहुत आसानी से हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप दो नेबर्स नंबर्स को ऐड करते हो, जैसे कि 6 प्लस 7 7 प्लस 8, तो इस पे आंसर आएगा जो भी उसका डबल वैल्यू आएगा उससे एक ऐड होगा, राइट। 6 प्लस 7 मतलब 6 प्लस 6 12 है, 6 प्लस 7 13 आएगा, नेक्स्ट नेबर आएगा, राइट। तो अगर दो नेबर नंबर्स को ऐड करते हो तो हमें जो छोटा वैल्यू है उसका डबल वैल्यू, वो दो बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 1 हमें ऐड करना होगा। ऐसे करके आप 36 कॉम्बिनेशंस को थोड़े बहुत और कुछ रूल आउट कर सकते हो, ताकि आपको ज़्यादा मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से लॉजिक के ज़रिए से आपको आंसर आ जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बता देती हूँ, अगर 8 प्लस 7 है तो हमें जो छोटा है उसको पकड़ना है और उसका डबल का एक ऐड करना चाहिए, मतलब 7 प्लस 7 14 है ना, सो 14 को हम एक ऐड करना चाहिए, 15 मतलब 5, सो इन दोनों का वंस प्लस पे है 5। अगर आप 6 प्लस लेते हो, 5 प्लस 5 10 है, तो हमें 1 ऐड करना है, ठीक है, 11 मतलब वंस प्लस में 1। तो ऐसे करके आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को रूल आउट कर सकते हो, मतलब आसानी से आप याद रख सकते हो। तो एंड ऑफ द डे बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आपको एडिशन टेबल अच्छे से आना चाहिए, सारे कॉम्बिनेशन वैल्यूज़ आपके फिंगर टिप्स पर रहना चाहिए। तो मैं, आप जब भी वैदिक मैथ स्टार्ट करते हो, प्लीज़ आप डेली बेस पे वार्म अप कीजिए इस एडिशन टेबल का। एवरी डे 10 प्रॉब्लम्स या 20 प्रॉब्लम्स आप करते जाइए, ताकि आपको अच्छे से इस वैल्यू सभी आपके दिमाग में बैठ जाए, ओके। सो इससे क्या होता है, हमें आगे जो भी हम प्रोसीजर और फॉर्मूलाज जो भी सीखे वो बहुत आसानी हो जाता है, जो भी हम एडिशन करते तो उसमें सभी हमें आसानी हो जाता है, अगर हमें ये पूरे कॉम्बिनेशन पॉसिबल कॉम्बिनेशन सभी सारे हमें आता है। तो इस एडिशन टेबल को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मेरे वीडियोस को फॉलो कीजिए। ये है आज का बेसिक कॉन्सेप्ट, आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। डोंट फॉरगेट, एज इज जस्ट नंबर। हैप्पी लर्निंग।